ओके तो नमस्कार मित्रों, मैत्रिणी आता नहीं है अपने चैनल पर, मैत्रिणी खूब कमी। सो आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, काय को दिखेगा? पापा दिखा रहा हूँ ना, और मैं एकदम यू नो अवतार मेरा एकदम खराब है क्योंकि मेरे जो वीडियोग्राफर थे वो थोड़ा लेट आए और मिस हो गया था। एंड बैकग्राउंड यू कैन जज बिकॉज आई एम अ पैसेंजर। सो ये धब्बा है, इसके अंदर एक डेड बॉडी नहीं, कुछ तो है। चलो मैं बताऊंगा नहीं अभी स्टार्टिंग में ही। तो नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डायरेक्ट पार्ट पे, क्योंकि ये पहले से ही खुला था बिकॉज वी ओन दिस थिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो इसमें पहले से ही ओपन था। तो चलो फाड़ते हैं इसको, मैंने वापस टेप लगाया, वापस फाड़ कर दिया। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर लास्ट बॉडी अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्यों दिख गया? डोरा द एक्सप्लोरर। तो गाइस अभी दिख रहा है कुछ? अभी नहीं दिख रहा। यही लो PlayStation 5 Slim, इसको सोनी खुद ही स्लिम नहीं बोलता है, इसलिए आपको कहीं भी PlayStation 5 Slim ऐसे लिखा होने नहीं बचते। ये स्लिम है, मेरे को भरोसा रखो मेरे ऊपर, विश्वास ठेवा माझे वर। हाँ छोटा है डब्बा, तो तुम्हारा छोटा दिखो, ये एवढा छोटा डब्बा नहीं है जो जुना है त्याचा। आणि इंडियन वर्जन मध्ये 8K नहीं मिलता, अपने 8K लिखा हुआ रहता है जो यूएस वर्जन होता है, अपने को नहीं मिलता। और अपने को वैसे भी उसकी नीड नहीं क्योंकि अपनी 8K टीवी लेने की अभी तो फिलहाल नहीं कोई बात है। तो ये भी खुला हुआ था, दो साइड रहते इसको डब्बे को, सामने इधर अपने को डब्बा और कंट्रोलर और डब्बा और कुछ नहीं, साइड में बस वारंटी, एक साल की वारंटी आती है हर एक ऑथोराइज आउटलेट साथ। अगर आप कुछ थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो आपको वारंटी नहीं मिलती, पर आपको पैसे कम करके मिलते हैं। और इसकी प्राइस अपने को ये मिला है 3000 में बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के सेल, दोनों जगह पे 3000 का। और अगर आप और कुछ कार्ड भी लगा लो तो और रह जाता हूँ, मतलब 47,500। सो बोलते हैं इसको खुला हुआ ही था, फिर भी आप ऐसा ही समझो और आपको पहले ही खोलते ही मिलता है HDMI केबल जो अपने पास है पड़ा हुआ पहले से, बट स्टिल यू कैन यूज इट। एंड सेकेंड वन इज जो 2-pin कनेक्टर है, डायरेक्टली PlayStation को कनेक्ट होता है, अर्लियर एडाप्टर मिलता था पर अभी डायरेक्ट 2-pin कनेक्टर में, तो ईजी हो जाता है एक्सटेंशन में वगैरह लगाने। और सबसे बेस्ट चीज टाइप सी टू टाइप सी हो गया, अभी पहले टाइप ए टू टाइप सी था कंट्रोलर के, और ये सबसे मेन चीज जो सबसे मेन की चीज है द ड्यूअल सेंस कंट्रोलर, एक को देखो एक ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिले, ये तो एक मेन चीज है। तो इसको अपन एकदम आराम से बाजू में रखेंगे, बाजू में, क्योंकि इसको आप कनेक्ट करके भी खेल सकते हो एंड ऑन बैटरी वर्क्स यू कैन चार्ज। और ये जो दो उन्होंने स्टैंड के लिए ऐसे पूछ दिए, इसको ओपन लगा के अपने जो डब्बे को टेढ़ा रख सकते हैं टेबल पे, टेढ़ा पूरा टेढ़ा। तो ठीक है आगे जाते हैं, डिब्बा खोलते हैं, मेन डिब्बा ये पार्ट्स की खबर ठीक है, अनबॉक्सिंग हर बार अच्छी नहीं होती गाइस। सो ये वही है, ये कवर और ये हमारा डिब्बा। उसके पहले आपको अंदर की चीजें दिखा देते हैं, अंदर देखते हाँ, ये दो बुकलेट जिसमें आपका MBA BTech दोनों हो जाएगा। और ये है डिब्बा, इसको एकदम आराम से रखो क्योंकि गलती से भी कुछ भी हो गया बस वारंटी। और हाँ ये डिब्बे के अंदर आपको ये जो वारंटी गाइड है जो जहां से आपको जिस दिन आपने लिया जब से ऑन करोगे तब से वारंटी चालू होगा, तब से लेके एक साल तक, मतलब अगर मैंने मई में लिया तो अगले जून तक मेरे को वारंटी मिली। ओपन दिस, ये भी खुला हुआ था गाइस, क्या करते सब चीजें इधर उधर हो गई थी, मैंने वापस लगाई। दिस इज आवर PlayStation 5 SLIM स्लिम, ये स्लिम है देखो, लुक एट द डिफरेंस, बहुत छोटा है, यू कैन लुक एट, छोटा है नो मैटर व्हाट, छोटा है और सब सब चीजें सेम ही है, परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज सेम एज इट इज।
तो मीन्स इधर अपने को दो अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, मतलब यही है कि बोर्डिंग उन्होंने अलग कर दी कवर, तो इधर ये जो हमको ग्लॉसी फिनिश मिलता है और ये मैट, इधर आप स्क्रीन अलग लगा सकते हो, जैसे पहले प्ले स्टेशन में पूरा एक स्क्रीन लगता था, अभी अलग अलग कुछ लगा सकते हैं, और इधर वही है सेम, और एज ऑलवेज वो प्ले स्टेशन का उनका सिंबल साइन एवरीथिंग इज ऑल सेम। हाँ, और ऊपर से छोटा हो गया पहली बार, और सामने के पोर्ट देखो इधर मेजर चेंज है ये बटन, उधर दो बटन मिलते थे पुराने प्ले स्टेशन में, जो ऊपर था वो ये जो हार्ड ड्राइव का इजेक्टर था, तो वो बटन से इजेक्ट होता था, ये भी रिमूवेबल है, यहाँ से खोल के मैं खोलूंगा नहीं, मेरे को खोलना ही नहीं है, ये रिमूवेबल है, यहाँ से खुलता है निकलता है, यू कैन यूज इट एज अ डिजिटल मॉडल ऑल्सो, और इधर बस पावर बटन है अभी फिलहाल, इजेक्टर नहीं है क्योंकि इसको सेपरेट इधर बटन दिया हमने, और ये दोनों टाइप सी करते, पहले इधर टाइप है और टाइप सी था, अभी दोनों इधर टाइप सी हो, सो इधर अपन मतलब डायरेक्टली ये जो अपने को टाइप सी केबल मिला है कनेक्ट करके कंट्रोलर को लगा। Okay, so that's it from the front side. देखो यहाँ पे all the same ports, बस ये कर दिए कि HDMI ये सब लाइन में थे, इतना डिफरेंस करके HDMI को ऊपर डाल दिए पुराने प्लेस्टेशन से, ये LAN port, दोनों USB माउस कीबोर्ड, आपको हेडफोन लगाने डोंगल लगाना है जो भी लगा सकते, और ये अपना पावर सप्लाई पिन, सो इतना ही है और इसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज आवर स्लिम, और इसमें मेन डिफरेंस ये लास्ट एक डिफरेंस बोलना रहेगा कि दिस इज 1TB 1024GB, तो इसमें अपने को यूजेबल ऑलमोस्ट अराउंड 968 समथिंग मिलता है, मेरे को भी एक्यूरेटली पता नहीं हुआ, अभी मैं जब लगाऊंगा तो स्क्रीन पर तो आपको पता ही चल जाए, तो और पुराने में बस 600GB 670GB कुछ यूज करने मिलता, तो इसमें 1TB पुरा 1TB का यूज करने आता, और पुराना जो था वो 825GB का था, तो 200GB का डिफरेंस मिल रहा है अपने, तो बड़ी बात है, मतलब आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो, आप एक्सटर्नल 2TB 3TB की ले सकते हो आप पे, अगर आप बहुत सारे गेम शुरू करना चाहते हो, एंड बाकी इसका जो रिव्यू है इसका गेम प्ले रहेगा इसका सब आपको मेरे चैनल पे तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं इससे गेम खेलूंगा स्ट्रीम करूंगा नो मैटर व्हाट, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि इसके लिए अलग से कुछ अपन वीडियो बनाए और रिव्यू दे कि हाँ गेम कैसे चल रहा है बढ़िया, क्योंकि अपन स्ट्रीम करेंगे यू विल गेट बेटर आइडिया टू इट। तो यही थी अपने डिब्बे की अनबॉक्सिंग प्ले स्टेशन, थोड़ा हो गया है चर्चा, कोई बात नहीं बस कम खा लेंगे और चलता है, मतलब देखो एक्चुअली आई वांटेड टू बाय, मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों चीज मेरी जिंदगी में पहली बार में रहेंगी, सो विल ट्राई विल हैव फन और मजे करेंगे इसके साथ खेलेंगे, जब स्ट्रीम होगी तभी आपको पता चलेगा ये कैसे चलता, मेरे को भी पता नहीं अंदाजा नहीं, बट या दिस इज प्ले स्टेशन बाय स्लिम, एंड बस इतनी सब चीजें मिलती है, देखो आई शो यू वंस अगेन, पहले एडाप्टर मिलता था अभी मस्त कनेक्टर मिल गया, सो ये सब चीजें मिलती, सो दिस इज आवर प्ले स्टेशन बाय स्लिम, और ये एक फोटो के लिए थंबनेल के लिए अपन इसको एक पोज दे देंगे जिसका अपना थंबनेल रहेगा ये वीडियो को, एंड आई होप यू लाइक इट, अच्छी अनबॉक्सिंग मैंने ट्राई की है, दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वीडियो फ्रॉम आवर साइड, सो गिव इट अ लाइक, उंगली दिख रही है, ओके चलो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ एंड सी यू इन अनदर अनबॉक्सिंग, होप सो आप प्यार दो और फिर ऐसा पैसा कमा के मैं कुछ अलग अलग चीजें लूंगा और फिर करें और कुछ, ठीक है चलो फिर उत्ते के लिए, बैकग्राउंड को देखो मत, ये चीजों को देखो जितना दिखा है उतना देखो, एंड बाकी मच लव एप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू ऑन द प्लेस्टेशन 5 स्ट्रीम, बाय बाय गाइस, स्लिम है ये स्लिम प्लेस्टेशन 5 स्लिम, बाय गाइस।